जय श्री राम, हर हर महादेव। उज्जैन से अयोध्या की हमारी पद यात्रा जो थी करीब 1000 किलोमीटर के आसपास पार करती हुई अयोध्या पहुंच चुकी है। और अयोध्या में अभी हम जिस वक्त खड़े हैं, पता नहीं हमें ये जगह कौन सी है, लेकिन जो बोर्ड पर लिखा हुआ है वो दिगंबर अखाड़ा और हनुमान गढ़ी का इस तरफ रास्ता है। देखिए, पूरी मैं दुल्हन की तरह नहीं कहूँगा, स्वर्ग की तरह पूरी अयोध्या नगरी सजी हुई है और उसके लाइव नज़ारे आप ही आपको दिखा रहे हैं। कैसा माहौल है ये शब्दों में बयां करना बड़ा ही मुश्किल है। और मेरे जीवन की जो सबसे बड़ी पत्रकारिता है, ग्राउंड रिपोर्टिंग है, वो यही है। और आज मैं खुद ऐतिहासिक क्षणों का गवाह बनने वाला हूँ। देखिए किस तरह हर पुलिस की गाड़ियाँ लगातार बम निरोधक दस्ता यहाँ लिखा हुआ है, हाई सिक्योरिटी अलर्ट है। देखिए इस तरफ हमारे जवान हैं वो तैनात हैं। और किसी भी हर स्तर पर जांच के बाद में हर आगे बढ़ने दिया जा रहा है। जो मुख्य जो रास्ता है आप देखिए इस तरफ देखते चले, साथ साथ चलते चले, हर जो क्षेत्र के लोग हैं वो यहाँ हैं। और मैं अगर अपनी बिरादरी की बात करूँ मीडिया जगत की, तो यहाँ से तस्वीरें दिखाते जाएँ सारे न्यूज़ चैनल्स के, सारे बड़े बड़े न्यूज़ चैनल के जो रिपोर्टर्स हैं, कैमरामैन हैं, वो यहाँ दिखाई दे रहे हैं लगातार। जो ये साउंड है उसमें ये देखिए इस तरफ, ये जो लाइव रिपोर्टिंग के लिए बड़े बड़े न्यूज़ चैनल भी यहाँ आ चुके हैं, उनके प्रतिनिधि आ चुके हैं। पूरे अयोध्या को झंडों से सजाया जा चुका है। इस तरह से कैसा माहौल है हम आपको दिखा रहे हैं। ये आज की तस्वीरें हैं, आज कैसा रहेगा वो है, और कल के लिए चाक चौबंद व्यवस्था है, हर तरह की सिक्योरिटी है। हम अलग अलग नज़ारों से आपको जोड़ेंगे। फिलहाल हम नया घाट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, हनुमान गढ़ी और दशरथ महल यहाँ कुछ लिखा हुआ है, तैयारियाँ यहाँ लगातार चल रही हैं। जय श्री राम, जय हनुमान, इसके इतर कुछ भी सुनाई नहीं दे रहा है। या तो आपको भगवान रामचंद्र जी, देखिए महाराज जी खुद यहाँ जाते हुए नज़र आ रहे हैं। इतना भक्तिमय माहौल है, गाड़ियाँ हैं, क्या बताऊँ मैं, मुझे शब्दों में बयां करना मुश्किल है। जितने लोग हैं उनके मन में सिर्फ कल को लेकर काफ़ी कुछ है कि वो कल क्या होगा, कल कैसा होगा। और तमाम लोग पहले से यहाँ आ चुके हैं, लगातार सिक्योरिटी, जैसे जैसे कल नज़दीक आता जाएगा सिक्योरिटी बढ़ती जाएगी। और ये पूरा वो चौराया है जहाँ पर अभी तैयारियाँ चल रही हैं लगातार। और देखिए आप इस तरह का माहौल है, कुछ भी देखते लगातार जो अलग अलग ठिकानों पर, जगहों पर पुलिस ने मोर्चा संभाल लिया है। कैसा होगा अयोध्या, द उदयपुर अपडेट्स की जो हमारे दर्शक हैं उन तक मैं पहुंचाना चाह रहा हूं। और ये हनुमान गढ़ी का ये नज़ारा है, यहां किसी को भी अंदर एंट्री नहीं दी जा रही है। ये आप इस तरफ देखें, ये पूरा जगह जगह पर पुलिस जाब्ता कह सकते हैं, पुलिस हाई सिक्योरिटी उनकी जो टीमें हैं वो लगी हुई है, तमाम तरह की चेकिंगें हो रही हैं। हनुमान गढ़ी की तरफ हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या कुछ होने वाला है, क्या कुछ हो रहा है, उसकी तमाम तस्वीरें हम आप तक पहुंचाएंगे, आप तक पहुंचाने की कोशिश करें। हनुमान गढ़ी की तरफ हम बढ़ रहे हैं। फिलहाल वीडियो हम लगातार चलते रहेंगे, दिखाते रहेंगे, बताते रहेंगे, इस नज़ारों से जोड़ते रहेंगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ और सिर्फ राम नाममय पूरा वातावरण है। कुछ भी बोलने के लिए तो आप जुड़ते जाएँ, जो भी कुछ नया चीज़ हमें देखने को मिलेगी हम आपको बताते रहेंगे, दिखाते रहेंगे। और मुख्य हम सरयू घाट और वो मंदिर जहाँ पर रामलला विराजमान होंगे उस मंदिर से भी आपको जोड़ेंगे। मेरे साथ धीरुभैया है जो इस तमाम नज़ारे को हमारे स्केच करने के लिए महती भूमिका निभा रहे हैं। मैं दिल से उनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आज उन्होंने इतनी व्यस्तताओं के बीच में हमारा साथ दिया है, सपोर्ट किया है। और यहाँ चलना कोई आसान काम नहीं है, 10 जगहों पर चेक इन होने के बाद सिक्योरिटी की तरह से कोई भी कोताही बरती नहीं जा रही है। पूरे अयोध्या का ये नज़ारा है, कितना गजब है आप ये देख सकते हैं। हर तरह के न्यूज़ चैनल यहाँ हैं और बहुत कुछ कहना चाहता हूँ मैं, लेकिन आज पता नहीं। ये देखिए लाइव जगह जगह से लाइव प्रसारण इस तरफ हो रहा है, ख़रीदारी भी लगातार बढ़ती जा रही है। और हनुमान गढ़ी का ये रास्ता है, जितने ज़्यादा भक्त हैं उससे ज़्यादा कई गुना यहाँ देख सकते हैं साधु संत भी हैं जो पहले से यहाँ आ चुके हैं, महीनों महीने हो गए, कई लोग दूर दूर से आए हैं। और ये देखिए आप नज़ारा, देखिए
उस तरफ जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, बिल्कुल माहौल कैसा है, हम भगवान श्री राम के जयकारे लगातार वो सुनाई दे रहे हैं। ये देखिए राजद्वार मंदिर है अयोध्या का, और ये दर्शन मार्ग है, और ये इस तरफ बड़ी भीड़ यहाँ नज़र आ रही है। हनुमान गढ़ी का ये रास्ता है, और जगह जगह सुरक्षा कर्मी देखिए पूरी चाक चौबंद। आज ये सारी चीज़ें देखने को मिली, कल ये सारी चीज़ें भी बंद हो जाएगी, और साधु संत लगातार ये देखिए साधुओं का, हम बात भी करेंगे लोगों से अगले वीडियो में, लेकिन फिलहाल हम ये जान लेते हैं आखिर कि उस तरफ क्या होने वाला है, कैसा नज़ारा है। देखिए लगातार हर पूरे तमाम मीडिया चैनल्स हैं, सबसे ज़्यादा मैं यहाँ वही देख रहा हूँ कि ये देखिए इस तरफ देखिए ये नज़ारा दिखाएं, ये हमारी बिरादरी के जो लोग हैं वो किस तरह से पूर्व तैयारियों के साथ में जुटे हुए हैं, लगे हुए हैं, कैमरामैन की टीम है, बहुत कुछ है, भक्तिमय माहौल है। मैं यहाँ आते ही बहुत सारी रामायण की जो चौपाएँ हैं, जो लाइनें मुझे याद थी, इस माहौल में मैं खुद भी भूल गया हूँ कि आखिर क्या है क्या नहीं है। बस मुझे ये है कि मुझे इन सारी चीज़ों को देखने में बड़ा ही मज़ा आ रहा है, वाकई में ये सारा नज़ारा है, ये सारा तमाम उस तरफ भी रास्ता है। वीडियो में आप कैसा लगा, एक छोटा सा वीडियो बनाया, और वीडियो बनाएंगे, तब तक के लिए जय श्री राम। कहाँ से आए आप? हम मथुरा वृंदावन से आए। अच्छा। और हमने एक संकल्प लिया था कि जब तक हमारे मथुरा मंदिर का, भगवान श्री कृष्ण का मंदिर आजाद नहीं होगा इस मस्जिद से, तब तक हम ना तो अन्न ग्रहण करेंगे और ना ही अपने पैरों में जूता चप्पल पहनेंगे। तो हमको 3 साल हो गए अपने संकल्प पे कायम है, और बहुत जल्दी भगवान श्री राम का मंदिर अयोध्या आजाद हो चुका है, रामलला विराजमान हो चुके हैं, उसी प्रकार मथुरा में भी भगवान श्री कृष्ण का भव्य मंदिर बनेगा। मैं मथुरा से श्री कृष्ण जन्मभूमि से मस्जिद को हटाने वाले केस में मुख्यवादी हूँ। अच्छा। और मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ न्यायालय में, और मुझे पूरा भगवान में विश्वास है, हमारी तपस्या त्याग प्रार्थना सफल होगी और एक दिन हमारे कृष्ण कन्हैया का मंदिर आजाद होगा। कैसा माहौल है, आप कितने दिन हो गए यहाँ आए हुए? हमको 3 दिन हो गए, पूरा अयोध्या पूरा भारत देश राम में हो चुका है, भगवान श्री राम 500 वर्षों के बाद में विराजमान होने जा रहे हैं रामलला अपने मंदिर में, तो पूरा देश के सनातन हिंदू जो भी इसको देख रहे होंगे वो अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहे होंगे, क्योंकि भगवान श्री राम 500 वर्षों तक अपने मंदिर से विमुख रहे, उनको जन्म स्थान में रहने नहीं दिया विधर्मियों ने, लेकिन योगी मोदी के राज में ठाकुर जी की कृपा से एक भव्य और दिव्य मंदिर बन चुका है, अब रामलला उसमें विराजमान हो रहे, पूरा सनातनी हिंदू इतना खुश है उसकी कल्पना नहीं की जा सकती। तो क्या क्या यहाँ क्या है, किस तरफ हम दर्शन कर सकते हैं, कैसे जा सकते हैं, थोड़ा सा भौगोलिक दृष्टि से कुछ? हनुमान गढ़ी पे खड़े हैं। अच्छा। ये हनुमान जी का दरबार है, यहाँ से प्रणाम करने के बाद ही कोई भी शरणार्थी, कोई भक्त, कोई भी रामलला मंदिर में जाते, पहले हनुमान जी को ढोक लगाते हैं, उसके बाद रामलला जाते हैं। हनुमान गढ़ी ये अंदर हनुमान जी विराजमान है, अंदर हनुमान जी। अब हमें भगवान के मंदिर की तरफ बढ़ना हो या और कुछ देखना हो तो किस तरफ जाएंगे, क्या रहेगा? मंदिर की तरफ आप इधर से जा सकते हैं, ये मंदिर ये हनुमान गढ़ी है, ये हनुमान जी मंदिर आगे है 1 किलोमीटर आगे जी, सरयू सरयू जी भी उधर ही है, सरयू जी मतलब इस तरह यहाँ दर्शन होके हमें इधर जाना है। तो बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार आपका, जय श्री राम। ये देखिए लगातार जागे का भाई जागेगा, हिंदू समाज जागेगा, जागेगा क्या जागते हो, 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 ह
समाज ये देखिए कितना भक्तिमय माहौल है, कैसे नजारे हैं। यहाँ हनुमान घड़ी के सामने है। अब हम आगे की तरफ बढ़ रहे हैं, लोगों से ज़्यादा बात करेंगे, ये हमारा मुख्य तय। अभी हनुमान घड़ी के यहाँ भगवान के दर्शन करेंगे और फिर आगे बढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा, क्या जानकारी है जो आप जानना चाहते हैं, क्या ऐसी जानकारी है, कैसा वीडियो आप देखना आगे का पसंद करते हैं, मैं दो दिनों तक आपको अयोध्या की हर एक एक्टिविटी यानी कि गतिविधियों से मुखातिब करवाता रहूँगा। मैं सुनील पंडित और कैमरे के पीछे भेरू भाई हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।